Hi friends, now we should discuss making of the constitution part 2 का part 2 chapter लक्ष्मीकांत का बुक का 5th edition न्यू नया बुक्स जो आया है ठीक है। इस बुक्स का 6th edition में हम आ गए और सेकंड सेकंड चैप्टर में हम आ गए ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके। तो फिर देखिए डिमांड फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ओके। डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओके। पहले डिमांड हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली असेंबली बनाया जाए ठीक है। फोन कर लाम मेदिनीपुरे आछे आसती छे बैक करछे बैक करती छे आछे कंसापतिते कसाई कसाई इट वाज 1934 दैट द आईडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो जानता हूं नहीं। इट वाज 1934 में आईडिया ऑफ द ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था ठीक है। फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई एम एन रॉय ने बनाया था ठीक है। फर्स्ट टाइम उन्होंने उठाया 1934 में आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर इंडिया इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया था ठीक है। तो उसके बाद वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई एम एन रॉय जो कौन बनाया था एम एन रॉय बनाया था। तो फर्स्ट टाइम बाई एम एन रॉय ओके पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट ओके जो कम्युनिस्ट है मूवमेंट का इंडिया कम्युनिस्ट पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया ओके ठीक है। 1934 में द आइडिया जो है ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर इंडिया के लिए पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एम एन रॉय पायनियर कम्युनिस्ट जो है मूवमेंट का उन्होंने एक पायनियर कम्युनिस्ट मूवमेंट का एक बहुत अच्छे से देखो बहुत अच्छी योगदान किया था। 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम करने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया में ओके। 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने डिक्लेयर किया दैट ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने डिक्लेयर किया इंडियन असेंबली डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड ओके विदाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज ओके। ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया बनाया जाएगा फ्रेम किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू कहा था ठीक है। आई एन से डिक्लेरेशन ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड ओके फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड फ्रेम्ड ओके विदाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस कोई भी आउटसाइड का इन्फ्लुएंस छाड़ा ही ओके। हम आउटसाइड से साथ जो नहीं लेंगे इस टाइम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड एज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज डिमांड वॉज फुली एक्सेप्टेड इन द एंड डिमांड जो फाइनली एक्सेप्टेड किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली एक्सेप्ट किया इन व्हाट इज नोन एज द अगस्त ऑफर ओके। 1940 में अगस्त ऑफर 1942 सर स्टेफोर्ड ग्रीव्स जो है ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट देखिए सर स्टेफोर्ड ग्रीव्स जो है 1942 में जो कैबिनेट का मेंबर है कम टू इंडिया विद ए ड्राफ्ट प्रपोजल उन्होंने आया था एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया था ऑफ द ब्रिटिश का गवर्नमेंट का ठीक है। सर स्टेफोर्ड ग्रीव्स मेंबर ऑफ कैबिनेट आए थे इंडिया में उसके बाद ड्राफ्ट किया है एक ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद उन्होंने फ्रेम किया इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू बी एडेड एडेप्टेड एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू द क्रिप्स प्रपोजल्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद द क्रिप्स प्रपोजल्स जो है रिजेक्टेड हुआ था बाई द मुस्लिम लीग क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने एंड विच वॉन्टेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इन टू टू ऑटोनोमस स्टेट्स ठीक है। जो चाहते हैं क्या ना इंडिया को डिवाइडेड करेंगे टू ऑटोनोमस स्टेट्स के अंदर ओके विच टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड फाइनली ए कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू
ओके, जहाँ पर टू का सेपरेट काउंसिल असेंबली होगा, फाइनली एक कैबिनेट मिशन होगा, वन टू पटना सेंड करेंगे काउंसिल असेंबली लेटर ऑन द आज। उसके बाद फाइनली एक कैबिनेट सेंट इन इनटू इंडिया वेल इट रिजेक्टेड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ द टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रिजेक्ट कर दिया टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इट पुट फोर्थ स्कीम फोर्थ स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। देखिए देखो रिजेक्ट कर दिया तो टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ओके स्कीम होगा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कुछ मोर और लेस सेटिस्फाइड हुआ है मुस्लिम लीग को। ओके ठीक है, कंपोजिशन मोर और लेस कर दिया सेटिस्फाइड। ओके कंपोजिशन क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कंपोजिशन ऑफ द कंपोजिशन क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। लेट स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। जो असेंबली है कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1946 में नवंबर में अंडर द स्कीम फ्रेमवर्क ऑफ द फ्रेमवर्क बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। द फीचर्स ऑफ द स्कीम वेयर फीचर्स क्या था स्कीम का, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कैबिनेट असेंबली वॉज इन 389। टोटल स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितना 389 स्टेट्स सीट्स वेयर टू अलाउड ब्रिटिश टू ब्रिटिश इंडिया। 296 जो है ब्रिटिश इंडिया का सीट्स, 93 सीट्स आर प्राइम प्रिंसली स्टेट्स। ओके 93 जो प्रिंसली स्टेट्स होगा, 296 ब्रिटिश, 93 प्रिंसली स्टेट्स, 296 टू ब्रिटिश इंडिया, 92 मेंबर्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंस and four chief commissioner pioneer provinces, one from each. Each provinces and princely states or group of states in case of small states, each province of and princely state or group of states or small states were to be attained and allotted seats in proportion of their respective जो एलोटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। वन सीट टू बी एलोटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, वन सीट एवरी मिलियन 10 लाख में एक एक सीट। 296 एलोटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश इंडिया, 92 और ड्राफ्टेड ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स एंड प्रोविंसेस एंड फोर फ्रॉम द फोर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ओके वन फ्रॉम ईच। ओके ईच प्रोविंसेस जो प्रिंसली स्टेट और ए ग्रुप ऑफ स्मॉल स्टेट्स ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स। ओके टू एलोटेड फॉर सीट्स ओके इन प्रमोशन इन द रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, रफली वन सीट टू बी एलोटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। सीट्स थ्रू सीट्स एलोटेड टू टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस, सीट अलॉट किया गया है ब्रिटिश प्रोविंस में, वेयर टू बी डिवाइडेड अमंग द थ्री प्रिंसिपल कम्युनिटीज, जो उसको डिवाइड किया है थ्री प्रिंसिपल कम्युनिटीज मुस्लिम सिख्स एंड जनरल ऑल एक्सपेक्ट ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। चार में देखिए द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी इलेक्टेड बाई मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जो है रिप्रेजेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी का वेयर टू बी इलेक्टेड किया गया था बाई द मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी। जो रिप्रेजेंटेटिव है ना उसको कम्युनिटी ऑफ ईच कम्युनिटी का, तो उसको इलेक्टेड किया गया था मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी मेंबर्स के माध्यम से इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड वोटिंग वाज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी और इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ दैट कम्युनिटी। रिप्रेजेंटेटिव्स को ईच कम्युनिटी का इलेक्टेड किया था मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी ने द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स। वोटिंग जो है मेथड किसका ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, आई मीन सब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से। रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसिपल स्टेट्स आर नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट। रिप्रेजेंटेटिव है प्रिंसिपल स्टेट्स का नॉमिनेटेड किसके माध्यम से ना हेड्स ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स के माध्यम से हुआ था रिप्रेजेंट हुआ था।
read this clear that the Constituent Assembly was to be the flatly elected and partly nominated body. क्लियर किया ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है टू बी पार्टली इलेक्टेड हुआ, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है। मोर ओवर द मेंबर्स वेयर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, मेंबर जो है इलेक्टेड बाय द मेंबर्स वेयर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्व्स आर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज हु देमसेल्व्स आर इलेक्टेड बाय ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज में इलेक्टेड हुआ था। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है, एवं मोर ओवर द मेंबर्स जो है वह इंडिविजुअली इलेक्टेड होता है, और द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली वो देमसेल्व्स आर वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज। द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 296 सीट्स एलोटेड टू द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस were held in July August 1946. Okay, जो held हुआ था 1946, the Indian National Congress won 208 seats. Okay, 208 seats में National Congress जो है win किया है, Muslim League था 273 seats. The small groups of independent got the remaining 50 seats. Okay. Remaining 50 seats. Okay, however, the 93 seats allotted to the princely state were not filled as they decided to stay away from the Constituent Assembly. So they decided to stay away from the Constituent Assembly. Okay. Stay away from the Constituent Assembly. Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया के माध्यम से डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है, इन पीपल के माध्यम से नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द असेंबली कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शन, देयरफॉर सब सेक्शन का जो पीपल से वो रिप्रेजेंटेटिव लिया था ऑफ इंडियन सोसाइटी का, हिंदू मुस्लिम सिख्स ओके पारसीज एंग्लो इंडियंस ओके Indian Christian SC ST community or including women of all these sections. The assembly included all important personalities of India at that time. The assembly included all important personalities of India at the time, with the exception of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी के बाद एक्सेप्शन से महात्मा गांधी के बाद के सबको लिया था, ठीक है, महात्मा गांधी को नहीं लिया था, महात्मा गांधी आदर्श काम कर रहा था, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यह काम है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन 1946 डिसंबर 9 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड फर्स्ट टाइम फर्स्ट मीटिंग इन डिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके और मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग इंस्टीट्यूट ऑन ए सेपरेट स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम स्टेट ने क्या कहा था, और पाकिस्तान चाहते हैं ओके सेपरेट स्टेट। द मीटिंग वाज दस अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स, मीटिंग जो है अटेंड हुआ था 211 मेंबर्स का। डॉक्टर सच्चिदानंद शाह सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट of the assembly, but Satchidananda ke hum oldest member hai jo isko humne elected kiya tha temporary president following the French practice ke liye. Later Dr. Raja Rajendra Prasad was elected the president, theek hai, Dr. Rajendra Prasad president of the assembly. Okay, similarly the both Ishwar Chandra Mukherjee and Bheti Krishnamachari was elected under the vice president of the assembly. In the other words, the assembly had two vice president. Objective resolution on December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objectives of the resolution in the assembly. It laid down the fundamental
लेट डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कंस्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। इट लेट डाउन किया द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कंस्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को। द कंस्टिट्यूशनल असेंबली डिक्लेयर इट्स फॉर्म इन सोलेमन रिजर्व किया था। प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। इंडिया को क्या ना रिजर्व किया था, इंडिया इज दिस इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। ओके ड्रॉ फॉर द फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ड्रा किया था एक फ्यूचर गवर्नेंस कैसे बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। पर इन द टेरिटरीज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया। The territories that now from the Indian state, okay, from the Indian state, such other parts of the Indian India are outside India, okay, and the states as well as other territories as well as willing to be considered into independent sovereign India shall be a union of them all, okay. जब इंडिया को एक यूनियन की तरफ से दिखाया जाएगा, जो टेरिटरीज दैट नाउ कम, जहाँ जब ब्रिटिश का पास था टेरिटरी, टेरिटरी नाउ बीन फ्रॉम इंडिया का, इंडिया का स्टेट्स में आ गया। ओके ओके तो अदर पर इंडिया आउटसाइड, देखिए इंडिया एज आर आउटसाइड इंडिया। ओके एंड स्टेट्स एज वेल एज देयर टेरिटरी आर विलिंग टू बी कंसिडर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया। ओके इंडिपेंडेंट सोवरेन हो गया इंडिया का। अभी देखिए थ्री, देखिए ओके वेर इन इन द सेड टेरिटरीज वेदर विद विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज और विद सच अदर्स ऑफ द एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके बाउंड्रीज जो है असेंबली डिटरमाइंड किया है, सच अदर मे बी डिटरमाइंड किया है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ प्रोसेस एंड प्रोसेस हुआ था एंड रिटेन द स्टेटस ऑटोनोमस यूनिट्स हुआ है, ऑटोनोमस यूनिट्स हुआ है टुगेदर विद रेसिडुअरी पावर्स एंड एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड फंक्शन। उसके बाद क्या है ना, ऑटोनोमस विद टुगेदर हुआ है स्टेटस, ओके एंड रेसिडुअरी पावर्स एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेव हुआ है एंड एक्सेप्ट सच पावर्स एंड फंक्शन एज द एज आर वेस्टेड इन और असाइंड टू द यूनियन। ओके the inherent or implied in the union or resulting thereafter therefrom. ओके तो इसके बाद क्या हुआ, रेजिडुअल पावर्स एक्सरसाइज ऑल पावर्स आर कम हुआ था, फंक्शन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में सेव हुआ था एंड एक्सेप्ट सच पावर्स, उसके बाद की बात देखकर रखे फंक्शन आर वेस्टेड टू असाइन ओके टू द यूनियन, जो वेस्टेड किया था यूनियन का, वेस्टेड किया गया था सच पावर, एक्सेप्ट कुछ नहीं पार दिया गया था, कुछ 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 पार नहीं दिया गया था और इनहेरेंट इम्प्लिसिट ऑफ द यूनियन यूनियन एंड रिजल्टिंग देयर फ्रॉम। ओके ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट बॉडी, जो ऑल पावर है अथॉरिटी का और सोवरेन इंडिपेंडेंट बॉडी में आया गया, इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके एंड डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, एंड डिराइव्ड फ्रॉम डिराइव्ड कहाँ से आया है, पीपल के। When shall be guaranteed and secured to all the peoples of India, the justice, social and economic, political equality of status and opportunity, therefore सब कुछ status, opportunity, economic and political status दिया गया था, before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action, subject to law and public morality, के बारे में भी उस time गारंटेड किया था, ठीक है। गारंटीड अब टू सिक्योर करेंगे पीपल को, जस्टिस देंगे, इस डिफरेंट जो इक्वलिटी स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और सेपरेट लोकेशन, ओके सब कुछ धीरे धीरे करके सब्जेक्ट लॉ में आकर आ गया, ठीक है। फॉर एडुकेट सेफ गार्ड्स, एडुकेट सेफ गार्ड्स शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड देंगे, बैकवर्ड एंड ट्राइबल लीडर्स को भी एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लास को भी। Wherein shall be maintained by the maintained integrity and territory of the republic and sovereign rights denge, sovereign rights sea and air according to the justice denge, law of civilization nation go again. The this ancient land attains
दिस डिलाइटफुल हॉनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, ओके, तो हॉनर्ड डिलाइटफुल एंड हॉनरफुल प्लेस हो गया था वर्ल्ड का, बहुत अच्छी प्लेस हो गया था, मेक्स इट फुल विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन द वर्ल्ड पीस, जो कंट्रीब्यूट करते थे वर्ल्ड पीस पीस के बारे में एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मैन के बहुत अच्छे रहने के लिए उन्होंने बहुत योगदान किया था. This resolution was at unanimously adopted by the Constituent Assembly on 22 January 1947. Its influence, the eventual sapping of the Constituent through all its subsequent stages, its modified version from the preamble of the present Constitution. Changes by the Independence Act. Changes by the Independence Act. Changes by the Independence Act. The representatives of the peninsulas who had stayed away from the Constituent Assembly. The representatives who have been stayed away from the Constituent Assembly से नहीं रहे थे, ठीक है, तो बाहर हो गया था. Gradually joined after joined it. Gradually अगर joined हो गया है April 28, 1947 में. The representatives of the six states were to part of the assembly. उसके बाद part हुआ था after the acceptance of the Mountbatten Plan. एक्सेप्टेंस माउंटबेटन प्लान के एक्सेप्टेंस के बाद, ओके, 3 जून 1947 फॉर पार्टीशन ऑफ द कंट्री. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसल स्टेट, द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड द मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसल स्टेट्स टूक देयर सीट्स इन द असेंबली. ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव्स जो है मोस्ट ऑफ द प्रिंसल स्टेट्स का टूक देयर सीट्स जो सीट्स इन द असेंबली. The members of the Muslim Leagues from the Indian Dominion, from the Indian Dominion, also entered in the assembly. The Indian Independence Act 1947 was made the following the three changes in the position of the assembly. The assembly was made a fully sovereign body. Assembly made was a fully sovereign body which could be framed with any constitution is placed. This is the act import kiya tha assembly ko. Obligate, abrogate or alter by any law made by the British Parliament. जो अल्टर होते हैं लॉ लॉ मेड कर दिए थे बाई द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया. ओके, ठीक है, तो द असेंबली ऑल्सो द असेंबली ऑल्सो हु ऑल्सो बिकम द लेजिस्लेटिव बॉडी. असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया है. इन अदर वर्ड्स टू सेपरेट फंक्शन टू सेपरेट फंक्शन हुआ था असाइंड हुआ था असेंबली में. ओके, जैसे देखिए असेंबली वजह लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया है, उसके बाद टू फंक्शन सेपरेट फंक्शन हेल्ड. ओके, फंक्शन असाइंड हुआ था असेंबली के अंदर. दिस इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड एनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ बनाया गया था. फ्री इंडिया एंड एनेक्टिंग एनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द कंट्री फॉर द कंट्री. These two tasks were to be performed on separate days. Performed on separate days. में thus the assembly became the first parliament. The assembly जो है the first parliament हुआ था तो free India dominion legislature wherein the assembly made as the constituent body. The assembly जो made हुआ था constituent body, it was chaired by the Dr. Rajendra Prasad. And when it made the legislative body, जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया था, इट वॉज चेयर्ड बाई द जी वी मामलंकर. ओके, दिस जब ए जब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, हमारे कौन असेंबली में मेट करे, जो मेट किया था तो उसका उस टाइम में चेयर कौन लिया था, राजेंद्र प्रसाद. एंड उसके बाद लेजिस्लेटिव बॉडी वन इट मेट बाई लेजिस्लेटिव बॉडी इट चेयर बाई चेयरमैन जी वी मामलंकर. ओके, ये क्वेश्चन आएगा चेयर लिया था. These two functions continued till November 26, 1949 when the task of making the constitution was over. जब टास्क जो है ऑफ द मेकिंग कंस्टिट्यूट बनाने का ओवर हो गया था. ठीक है, द मुस्लिम लीग मेंबर्स जो हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग मेंबर है वो हेलिंग फ्रॉम द एरियाज जो इंक्लूडेड हुआ था पाकिस्तान का,
इन द पाकिस्तान में वो जो ज्वाइन हो गया था विदड्रॉ फ्रॉम द कंट्री असेंबली, वो विदड्रॉ कर लिया था फॉर इंडिया. ओके कंसिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली कम इनटू 299 के अंदर आ गया है अगेंस्ट 389. ठीक है, तो ओरिजिनल फिक्स ऑफ द फिक्स 1946-6 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था. द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंस का जो स्ट्रेंथ था इंडियन प्रोविंस का अभी फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंस. ओके वॉज रिड्यूस फ्रॉम 296 टू 299. जो रिड्यूस हुआ था 229 से 96 से 229 आ गया है. एंड दोज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम 93 टू 70 में जा गया. ओके चला गया. ठीक है, द स्टेट्स वॉज विज द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑन December 31, 1947 इज सोन. ओके टेबल्स 24 में देखेंगे हम. अदर फंक्शन फंक्शन परफॉर्म. ठीक है, क्या अदर क्या फंक्शन क्या परफॉर्म हुआ था. इट इज इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एरेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ. ठीक है, अपने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, उसके बाद एरेक्टिंग ऑफ द लॉ हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में. ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, जो परफॉर्म किया था फॉलोइंग फंक्शन किया था. आइडेंटिफाइड द इंडिया टू ए मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1949. क्या ना रेटिफाइड किया था इंडिया को मेंबरशिप देंगे कॉमनवेल्थ में. ओके May 1949 में जो हुआ था. अगर एडप्टेड द नेशनल फ्लैग एडप्ट किया गया नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947. एडप्टेड नेशनल एंथम 1924 जनवरी 1950. एडप्टेड नेशनल सॉन्ग 1950 24 जनवरी. नेशनल सॉन्ग एल्डेड इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द वाइस एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके January 24, 1950. ठीक है, बहुत 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्री के लिए. नेशनल फ्लैग सॉरी नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग एंड प्रेसिडेंट वाइस इंडिया का प्रेसिडेंट 1950 में 24 जनवरी. ठीक है, तो इन ऑल द कंस्टिट्यूशन असेंबली हैड 11 सेशन ओवर 2 ईयर्स. 11 सेशन हुआ था 11 मंथ एंड 11 18 डेज. सॉरी इन ऑल द कंस्टिट्यूशन असेंबली हैड 11 सेशन हुआ था एंड 2 ईयर्स ओवर द 2 ईयर्स 11 मंथ लिया था 18 डेज. ओके द कंस्टिट्यूशन मेकर्स हैड गन थ्रू द कंस्टिट्यूशन अबाउट 60 कंट्रीज. ओके and the draft constitution was all considered. The constitution maker जो है लिया था वो 60 countries से and draft किया था constitution को was considered as one for 114 days. draft किया था 114 दिन में. the total expenditure income 64 lakh और 64 lakh खर्च हुआ था. On January 24, 1950, the constitution assembly held in final session. It's however it did not end. They continued the provincial parliament of India. नहीं सेस हुआ था, सेस किया गया था, कंटिन्यू नहीं किया गया था क्या प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में. इंडिया ओके फ्रॉम जनवरी 26 जनवरी 1950 टिल फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द जनरेशन जनरल इलेक्शन 1951-1952. कमिटीज कमिटीज क्या है. कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कमिटी द कमिटी ऑफ द असेंबली अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द कमिटीज टू डील विद द डिफरेंट टास्क तो डील करते हैं. ठीक है, ओके टास्क ऑफ डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंटेड किया था मेंबर्स ऑफ कमिटी टू डील करेंगे विद द डिफरेंट टास्क को. ओके आउट ऑफ दिस 8 वेयर मेजर कमिटीज. जो दिस 8 जो है मेजर कमिटीज एंड द अदर्स वेयर माइनर कमिटीज. ओके द नेम्स ऑफ दिस कमिटीज आर एंड द चेयरमैन आर गिवन बिलो. मेजर कमिटीज यूनियन पावर कमिटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कमिटी ओके प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमिटी अंबेडकर, एडवाइजरी कमिटी फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी ट्राइबल एक्सक्लूड एरिया सरदार पटेल. उसके बाद फंडामेंटल सब कमिटीज ओके फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी टू बी जे बी की पहले नहीं फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी सब कमिटी एस एम मुखर्जी नॉर्थ ईस्ट ईस्ट फ्रंटियर जस्टिस फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड एस एम एक्सक्लूडेड पार्लियामेंट्री पार्शियली ओके एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटी गोपीनाथ बारदोलोई एक्सक्लूडेड एंड पार्टली एक्सक्लूडेड एरियाज
then those are in Assam subcommittee, Abit, Thakkar, Northwest Frontier Tribal Area Subcommittee. Okay, the six rules procedure committee, Dr. Rajendra Prasad, seven states committee, committing negotiating, Jawaharlal Nehru, steering committee, Dr. Rajendra Prasad, major minor community, finance and staff committee, Dr. Rajendra Prasad, credential committee, AKIR, house committee, B. Pattabhi Sitaramaya. Okay. Expert committee on the financial provincial vision Union Constitution again. Nalini Rajaranjan Sarkar, not an assembly member. Linguistic provinces constitution S. Kedhar, not an assembly member. A special committee of, to examine the draft constitution Jawaharlal Nehru Press Gallery Committee Usana Sen. Ad hoc committee, okay, S. Bharadhachari. Drafting committee. Along all the committees of the Constituent Assembly, the most important, okay, among the okay most committee was drafting committee set up 29 August 1947. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution. Okay, okay. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution. जो टास्क किया था, प्रिपेयर किया था, ड्राफ्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. इट कंसिस्ट सेवन मेंबर्स, जो हमने कंसिस्ट किया था सेवन मेंबर, दे आर एयर जो बी आर अम्बेडकर चेयरमैन, एन गोपाल स्वामी अयर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सिक्स एन मधवा राव. ओके, यहाँ पर देखिए सेवन मेंबर्स जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, ठीक है. तो एक के आई आर, ओके, एन वलसमी आई आर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन मधुबा राव राव, ओके, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ओके, ठीक है, कृष्णाचारी क्या एड रिप्लेट डी पी खैतान भूटाइड 1948. The drafting committee, after taking into consideration the proposals of the various committees, prepared the first drafting of the Constitution of India, which was published in February 1948. The people of India were given 8 months to discuss the draft of and proposals amendments. In the light of the public comments, criticism and suggestion, the drafting committee prepared a second draft, which was published in October 1948. All it sat only in 141 days. Enactment of the constitution. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. थोड़ा पानी पी लिया अभी. Let's start. Enactment of the Constitution. Dr. B. R. Ambedkar introduced the final draft of the Constitution in the Assembly on November 4, 1948. The Assembly had a general discussion. It was a general discussion on it for 5 days, okay, 1948 till November. The second reading clause by clause. Consideration start on November 15, 1948 and elected on October 1947, 1949. During this stage, as many as 7,653 amendments were proposed and 2,200
2,433 were actually discussed in the assembly. The third reading of the draft started. Reading of the draft started November 14, 1949. Dr. B. R. Ambedkar moved in session. The government moved in session. The constitution as settled by the assembly to be passed. The motion of the draft constitution was declared as passed on November 26, 1949. And received the signature of the members and the president. President. Out of the 299 members, the assembly only 284 were actually present on the day and signed the constitution. This is also the date of the third reading of the draft. Of the draft started 1949. B. R. Ambedkar moved the nation. The constitution settled by the assembly. We passed hua tha, the motion draft constitution declared hua tha, 1949 mein, 26 November mein, and received the signature of the members and the president. Signature किया था members and president ने and 299 members of the assembly 2184 actually present था signed किया था जो जो assembly erected the themselves in this constitution. Okay, the constitution of the as erected 26 November 1949 contained preamble 395 article and 8 schedule. The preamble was erected after the annual constitution and was already erected. Dr. B. R. Ambedkar, the then law minister, piloted the draft constitution in the assembly. He took the very prominent part of the deliberation of the assembly. He was known as the logical, forcible and persuasive argument of the floor of the assembly. He is recognized the father of the Indian constitution. This brilliant writer, constitutional expert, undisputed leader of the scheduled caste. Okay, undisputed leader of the scheduled caste and the chief architect of the constitution of India, known as modern Manu. Okay, modern Manu, enforcement of the constitution. Some provision of the constitution, okay, pertaining to citizens elections. Voting at the citizens को some provisions. Okay, voting citizen election, provincial parliament, temporary and transitional provinces and short title. Contained an article 5, 6, 7, 8, 9, 60 others. Okay, 1993 काम दो ही फोर्स 1926 November. The remaining provisions, the major part of the constitution, come into force January 26, 1950. This day is referred as to in the constitution as the date of the commencement, and am celebrated as the republic. Again? Ha. Ha. Had wo. Acha. January 26 was a success, especially chosen as the date of commencement of the constitution because of its historical importance. It was on this day 1933 that the Purna Swaraj Day was celebrated. Okay, 1930 mein Purna Swaraj was celebrated following this resolution of the Lahore session. Okay, Purna Swaraj 1930 mein 26 January special chosen date of enforcement of the constitution because historical importance tha us time. 1930 mein Purna Swaraj Day was celebrated kiya gaya tha following the resolution of the Lahore session mein of the INC, well, that with the consummate of the constitution, the independence, the Indian Independence Act 1947 of the, and the Government of India Act 1935 with all enactment amending and supplementing the later act were repealed. The abolition of the Privy Council and Council Jurisdiction Act, okay, however, continued criticism of the Constitutional Assembly. The critics criticized the Constitutional Assembly on various grounds. Not a representative body. Okay, the critics argued that the Constitutional Assembly was not a representative body as its members were not directly elected by the people of India, you know, on the basis of adult franchise. Okay, not a sovereign body. The Constitutional Assembly is not a sovereign body, not a representative body, not a sovereign body. Proposals of the British government. Okay, Assembly held the session permission of the British government. Time consuming. Okay.
हम पढ़ रहे थे क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, एक टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है, बहुत ही टाइम लेते थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्रिफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का उन्होंने ड्रिफ्टिंग कमेटी के बारे में बताया, ठीक है, एंड डोमिनेटेड ऑफ कांग्रेस, डोमिनेटेड बाई कांग्रेस, हमें डोमिनेटेड कांग्रेस ने डोमिनेटेड किया था, वन पार्टी बॉडी एक हुआ था, ठीक है, एंड लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, डोमिनेशन एंड डोमिनेटेड बाई हिंदूज, ओके, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एलिफेंट ऑफ सिंबल्स द कंट्रोल असेंबली, सर बी आई बी एन राव अपॉइंटेड कंट्रोल एडमिनिस्ट्री, एच ए वी आर आई आर एग्नर वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कंट्रोल असेंबली, एस पी एन मुखर्जी वाज द चीफ ऑफ ड्राफ्ट मैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम बिहारी अजीम रायजाडा, ओके, कैलीग्राफर एंड राइटिंग बाई हिम इटैलिक स्टाइल, ठीक है, आर्टिस्ट शांति निकेतन, हाँ, बहादुर बहादुर रमनदर सिन्हा, इल्यूमिनेटेड ब्यूटीफुल फैमिल, ओके, प्रेम बिहारी कैलीग्राफर ऑफ हिंदूज हिंदी भाषा, हम जाच्छी, हाँ, ওই আসতেছে ওই বালিচক, বালিচক অ্যালোকেশন, অ্যালোকেশন অফ সিটস, হ্যাঁ, অ্যালোকেশন অফ সিটস অফ দ্য কন্ট্রি অ্যাসেম্বলি অফ ইন্ডিয়া, অ্যালোকেশন অফ সিটস ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট প্রভিন্স গেলে 292, প্রিন্সলি স্টেটস 93, প্রিন্সলি স্টেটস 93, প্রিন্সলি স্টেটস 93, ওকে, তো উসকে বাদ চিফ কমিশনার প্রভিন্সেস কে লিয়ে 4 টোটাল 389, ঠিক হ্যায়, और रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द कंट्री असेंबली जुलाई अगस्त, कांग्रेस 28, मुस्लिम लीग 73, यूनियन पार्टी मुस्लिम के कृषक पार्टी, एक एक शेड्यूल कास्ट ऑर्डिनेंस एंड वन, ठीक है, शेड्यूल कास्ट 6, ओके, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिपेंडेंट टोटल 26, हिंदू 163, मुस्लिम 80 एंड शेड्यूल कास्ट 31, इंडियन क्रिश्चियन 6, ओके, ठीक है, 6, ओके, प्रेस टोटल 296, ओके, स्टेट वाइज मेंबरशिप एंड इंडिया, ठीक है, मद्रास 49, बॉम्बे 21, वेस्ट बंगाल 19, ओके, देख लीजिएगा ये, ठीक है, इंडियन स्टेट्स प्रिंसली स्टेट ऑल आर 1, ओके, भोपाल, ओके, ये देख लीजिएगा, मैसूर, उदयपुर टू, ओके, तो वेस्ट इंडिया स्टेट्स, ओके, गुजरात टू, ओके, और डेकन और मलाबार स्टेट्स ग्रुप टू, रेसिडुअरी ग्रुप्स, ईस्टर्न ग्रुप्स, ईस्टर्न स्टेट ग्रुप, पंजाब स्टेट्स, ओके, सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फर्स्ट सेशन 1946, सेकेंड सेशन 1947, थर्ड सेशन अप्रैल में, फोर्थ जुलाई, फिफ्थ अगस्त, सिक्स जनवरी 1947, जनवरी 1949, नवंबर टू 8 19, ओके, 49 जून, 9th, 10th, 11th नवंबर 1949, 24 January elected assembly again, once again 24 January 1949 members appointed appeared in their signatures of the constitution. The government mission of Lord Patrick Lardons Sir Stafford Chris Alexander arrived in India. First and dominant legislature 1947 November. Okay. The Government of India Act 1935 granted limited franchise of the basic of law, tax, property. ठीक है, अब देख लीजिए, ठीक है, तो ग्रेवेन एस्टिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई थिंक इट विल हेल्प टू यू टू सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरी की पूरी चैप्टर कवर हो गया, ठीक है, अब देख लीजिए, ओके।